दोस्तों ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैकिंग टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों खोलते हैं बॉक्स को, देखते हैं। ये है स्पीकर, लेकिन मैं पहले देखता हूं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो फिनिश है, मैट फिनिश है, एल्यूमिनियम का यूनिबॉडी डिजाइन है। देखिए आप इधर एक भी जगह पे साइड को किधर भी जॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीटली एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड शेल है। आगे की तरफ आप देख रहे हैं मेश्ड प्लेन डिजाइन है और इधर ब्रिट्सवुल्फ की ब्रांडिंग है। ऊपर की तरफ जो बटन्स आते हैं आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ, प्ले, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। पीछे की तरफ माइक्रो यूएसबी एंड ऑक्स 3.5 mm ऑक्स। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात है 5200 मिली एम्पियर आर की बैटरी है, जो आपको आराम से ये जो स्पीकर है नॉर्मल वॉल्यूम पे 11 से 12 घंटे तक चलेगा। जी हाँ, इसका मतलब अगर आप किधर बाहर लेके जाएंगे इसे सुबह फुली चार्ज करके, तो पूरे दिन भी अगर आप म्यूजिक सुनेंगे तो भी इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब कनेक्ट करते हैं हमारे फोन को और देखते हैं इसका आवाज कैसा है। चलिए दोस्तों हो गया चालू। आप इधर अगर ब्लू कलर का एलईडी लाइट देखेंगे तो ये अभी पेयरिंग मोड में गया है। देखते हैं, पेयर न्यू डिवाइस कहते हैं, आ गया है ऑलरेडी पेयर विद BWAS1। बहुत ही फास्ट था पेयरिंग इसका, ऑलरेडी पेयर्ड है, अभी भी कनेक्टिंग दिखा रहा है। एंड कनेक्टेड बैटरी इज 60%। जी हाँ, सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसका बास, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे स्पीकर्स में जनरली बेस जो होता है कम होता है, लेकिन इसमें देखते हैं। पता नहीं दोस्तों आपको अगर सुनाई दे रहा है या नहीं, हमारे जो ये नॉर्मल माइक है उसके ऊपर आपको ठीक तरह से शायद सुनाई नहीं देगा इसका बेस, लेकिन ऐसे लगता ही नहीं है कि पोर्टेबल स्पीकर है। जो डेप्थ है बेस में, डीप बेस जिसे बोलते हैं, 40% वॉल्यूम पे है। ये फुल वॉल्यूम पे रखा, मैं ज्यादा सुना नहीं पाता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन बेस तो अच्छा है। चलिए अब वोकल्स वगैरह मैं सुनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है इसका आवाज। दोस्तों मैंने एक पिछले 10-15 मिनट से मैं सुन रहा था, इसके पहले भी मैंने ये जो स्पीकर है इसके ऊपर बहुत देर तक म्यूजिक सुना, और एक बात कहता हूं दोस्तों, इट इज वन ऑफ द बेटर साउंडिंग ब्लूटूथ स्पीकर्स दैट आई हैव हर्ड। जी हाँ, इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों जो आवाज करता है अगर आप एक बार रखेंगे, इट हैज अ प्रीमियम लुक एंड प्रीमियम साउंडिंग स्पीकर्स। दोस्तों इसकी जो स्पीकर कैपेसिटी है वो है 20 वैट, यानी स्टीरियो स्पीकर्स है 10 वैट प्लस 10 वैट, यानी 20 वैट। इसका मतलब लाउड भी आपके जो घर होगा उसके अंदर इतना छोटा सा स्पीकर बहुत ज्यादा इनफ हो गया, 20 वैट यानी लाउड है। साथ में दोस्तों इसका जो बेस है वो मैंने आपको सुनाया, बहुत ही बढ़िया है। वोकल्स वेरी गुड, ट्रेबल्स शायद थोड़े लो होंगे, इसका मतलब जो हाई पिच साउंड होता है अगेन थोड़ा कम मैं कहूंगा, बट यू विल नॉट मिस इट। नॉर्मल आप क्लासिकल सुनो, ड्रम्स वाला म्यूजिक सुनो, बहुत ही अच्छी तरह से ओवरऑल साउंड करता है इसका। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की तरफ। जी हाँ, इसकी जो प्राइस है वो कुछ 4000 से लेके 4200 रुपए तक है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, banggood.com से हमने ये लिया हुआ है, और दोस्तों मैं डेफिनेटली इसे रिकमेंड करूंगा। अगर आप एक अच्छा प्रीमियम फिनिश वाला ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हो जिसकी आवाज भी अच्छी है, बेस अच्छा है, वो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, बैंगूड जो है ये चाइनीज वेबसाइट है, तो अगर आप उधर से ऑर्डर करेंगे तो शायद आपको 200 या 300 या 400 रुपए कस्टम ड्यूटी भी लगे। इसका मतलब ये जो स्पीकर्स हैं वो आपको कुछ 4500 रुपए तक बैठेंगे। लेकिन दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत सस्ते भी पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है इन स्पीकर्स के बारे में तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और भी कुछ होगा
तो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।